गुड मॉर्निंग गाइस, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, वैसे भी अब टाइम हो चुका है 12:35, हमको 12:50 तक मेट्रो तक पहुँचना है और अभी मेरे को रेडी भी होना है और कुछ खाना भी है और फटाफट जाके बैकपैक भी करना है और अपने इक्विपमेंट्स भी लेके जाने हैं। तो यार बहुत ही कम समय है और बहुत ही ज़्यादा काम करना, तो चलो फटाफट रेडी हो जाओ बस। अब गाइस बेसिकली मेरे को सबसे फेवरेट शर्ट मेरी ये वाली लगती है रेड कलर की, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और ये मुझे ज़्यादा फेवरेट लगती है कि मैं इसे भी पहनना प्रेफर करता हूँ, चाहे फिर ये हाफ की हो या फुल की, लेकिन डिज़ाइन के मामले में इससे ज़्यादा खतरनाक कोई शर्ट नहीं लगती मेरे को। तो फाइनली अब हमने हाफ शर्ट तो पहन लिया, फटाफट जैकेट पहन लेते हैं, फुल शर्ट ढूंढना है। अरे ढूंढे कौन फुल शर्ट, आलसी हूँ मैं, आलसी का आ जाऊँ। चलो फिलहाल फटाफट निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो फाइनली गाइस हम फिलहाल रेडी हो चुके हैं बड़ी स्पीड में, अब फटाफट हमें निकलने के लिए कुछ पहले खाते आ जाओ, वक्त अपने पास वैसे भी बहुत ज़्यादा कम ही बचा है, मैं दिखाता हूँ आपको टाइम। तो जैसे कि आप देख पा रहे टाइम हो गया है 12:40 और फटाफट मेरे को लंच करना, उसके बाद मेरे को 5 से 10 मिनट में फटाफट भाग के यहाँ से निकलना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे शाही पनीर अपने आ चुके हैं, फटाफट पराठे के साथ जो पनीर का स्वाद आता है उसका स्वाद आपको पता नहीं, फटाफट मेरे को पराठे ला दो जिए। तो गाइस फाइनली प्लानिंग कुछ ऐसी है कि आज मैं मेट्रो से जा रहा हूँ और जो मेरी मीटिंग है वो प्रीतमपुरा में है, थी बेसिकली नोएडा में, लेकिन वहाँ से जो हमारे क्लाइंट है वो प्रीतमपुरा के रहने वाले हैं और जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ नोएडा में, तो मेरे को अब बेसिकली जाना है प्रीतमपुरा क्लाइंट से मिलने। सो अभी तो प्लानिंग कुछ ऐसी है कि मैं अभी मेट्रो से जाऊँगा नेहरू प्लेस तक, देन वहाँ पे मेरे को मेरे सर मिलेंगे, देन उनके साथ मेरी प्लानिंग होगी प्रीतमपुरा जाने की। सीन्स तगड़े तब होंगे जब टाइम पे पहुँच जाएंगे और टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा लेट चल रहा हूँ, अभी 12:45 हो चुके हैं। और गाइस मास्क पहनना तो बिल्कुल ना। पर्स और मोबाइल कौन लेगा? फाइनली गाइस आज हमारा सफर कुछ मेट्रो तक का है कि मैं मेट्रो में आज अप्रॉक्स 2 साल बाद चढ़ रहा हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है शान बढ़ती है। एक साल कोविड-19 में निकल गया और एक साल मैंने बना दिया। फाइनली गाइस हम मेट्रो स्टेशन तक आ गए हैं, मेट्रो का वेट कर रहे हैं, अब देखो मेट्रो कब तक आती है। फाइनली गाइस फिलहाल अभी हम नेहरू प्लेस पहुंच गए, मैंने सर को कॉल भी कर लिया और वो भी है सत्यम सिनेमा हॉल नेहरू प्लेस में होगा कहीं पे, ठीक है। मैं तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। गाइस इस समय तक मेरे साथ एक फ़नी चीज़ हो गई थी कि मैं सत्यम सिनेमा हॉल के बाहर ही था और लेकिन मेरे को पता ही नहीं कि सत्यम सिनेमा हॉल है, मैं थोड़ा कंफ्यूज था इस चीज़ को लेकर, ये साथ मेरे साथ हुआ था और मैं उसके सामने से ही गुजर रहा हूँ और मेरे को पता ही नहीं कि वही चीज़ है। तो अभी किसी से पूछ के पहुँचते सत्यम के पास एंड देन फिर जाएंगे वहाँ पे। भाई भाई सत्यम सिनेमा यही है, सत्यम सिनेमा हाँ उधर है सिनेमा। रियली मेरे को आपकी अब तक की सबसे अच्छी स्टेबलाइजेशन लगी है इसमें।
गाइस बेसिकली हम इतनी दूर जा रहे हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था कि हम प्रीतमपुरा जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा दूर है और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। मैं बहुत ही ज़्यादा लेजी सा फील कर रहा हूँ और अब मैं थोड़ा बहुत एक नैप ले लेता हूँ और फिर थोड़ा रिफ्रेश फील करूँगा, फिर आराम से मीटिंग करने में मज़ा आएगा। तो गाइस हम पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब फिलहाल मैं आपको जो आगे का पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल अपनी यहाँ तक की जर्नी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर। पूरे बाल उलट से आते तो उड़ ही जाते हैं। बाकी एनीवेज गाइस टाइम कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट एक।